गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो आज मैं आपके साथ ये जो अमेजोन का जो रैंडम ब्रश सेट है इसका रिव्यू करूँगी। तो कितने दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला है, बोल सोच रही होंगी कि वीडियो क्यों नहीं डाल रही है, क्यों नहीं डालती है। तो मैं मेरे मायके में आई हूँ और फेस्टिवल का टाइम था तो थोड़ा बिजी थी, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और मैं थोड़ा टायर्ड दिखूँगी क्योंकि मैं बीमार भी थी थोड़ा सा, तो मैंने कितना दिन अच्छे से नहाया भी नहीं है मेरे, देखिए हेयर भी वॉश नहीं है, तो वो इग्नोर कीजिए आप। तो जो ब्रश सेट मैं आज रिव्यू करने चाहूँगी गाइस, बहुत अच्छा ब्रश सेट है, मस्ट ट्राई है। मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर से खरीदिए। 245 में मुझे मिला है, आपको शायद कम में ज़्यादा में मिल सकता है, तो मस्ट ट्राई है, ट्राई करके दीजिए। मुझे नहीं लगता हाई एंड प्रोडक्ट्स में भी ऐसे ब्रशेस मिलेंगे, हाई एंड को ये बीट कर सकता है। मैंने तो इतना हाई एंड ब्रशेस यूज़ नहीं किया है, प्रो आर्ट का यूज़ किया है और एक अमेजोन का रैंडम सा एक ब्रश सेट था वो भी यूज़ किया है, तो उससे भी ये अच्छा है। मतलब ब्रश सेट में होता क्या है, जो फाउंडेशन और कंसीलर होता है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करता है, लेकिन ये इतना अच्छे से ब्लेंड किया है ना कि मैं खुद शॉक हूँ। मेरी माँ देख के बोल रही कितना अच्छा हुआ है, कोई पेचीनेस कुछ नहीं हुआ है। आप आई मेकअप ही देख सकते हैं, सिंपल आई मेकअप है और निकाके का जो पैलेट है वो मैंने यूज़ किया है, तो मस्ट ट्राई है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगी। तो गाइस प्लीज़ ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब पर उसमें जो बेल पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो देखिए आप वीडियो और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू। सो गाइस मैंने जो आपके साथ बोला था कि मैं जो ब्रश सेट का लाइक रिव्यू करूँगी, तो वो ये है, ये अमेजोन की ब्रश सेट 9-10, इसमें 10 ब्रश सेट्स हैं। तो मैं यहाँ रिव्यू करूँगी कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है और मतलब कैसे अच्छे से इसे कैसे फेस पे वर्क करता है, तो मैं देखती हूँ कैसा है, तो इसीलिए मैं ये यही रिव्यू मैं करना चाहती थी आपके साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ये एक ब्यूटी ब्लेंडर मिला है, इसका भी मैं दिखाऊँगी कि कैसा है। तो आज का मेरा फाउंडेशन जो है थोड़ा सा मैट है, जो मेबेलिन का जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो वाला है, पता नहीं कैसे वर्क करेगा। तो इसके साथ ये वाला एक ब्लेंडर मिलता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ऐसा एक एंगल ब्रश मिलता है जिसे आप कॉन्ट्रिंग कर सकते हैं, ऐसा एक मिलता है, ये शायद पाउडर ब्रश है, हाँ एक पाउडर ब्रश मिलता है, और ये फ्लैट टॉप कबू की ब्रश है, फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए है। और दूसरा ऐसा एक, ये भी कॉन्ट्रोरिंग करने के लिए, शायद कॉन्ट्रोर या ब्रोंजर करने के लिए ब्रश है। और एक का ब्रश मिलता है, वो भी थोड़ा सा कबूकी टाइप ब्रश है, इससे भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं या फिर पाउडर कर सकते हैं आप। और मिलता है आपको ये आइस के लिए ब्रश, ब्रशेस मिलता है, तो ये 5 ब्रशेस मिलता है, सारे ही ब्लेंडिंग ब्रश है, थोड़ा सा एंगुलर ब्लेंडिंग ब्रश है, छोटा वाला ब्रश नहीं मिलता है, थोड़ा सा ऐसा जो ब्लेंड करने के लिए जो ब्लेंडिंग ब्रश है, जो फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है वैसा सब मिलता है। अच्छा आपको थोड़ा सा सेटअप चेंज लगेगा क्योंकि मैं पापा के घर में आई हूँ, तो इतने दिन से मैं वीडियो नहीं कर पाई हूँ, तो आज मैं कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा टायर्ड दिख रही हूँ आज क्योंकि मैं थोड़ी बीमार थी, तो इसलिए थोड़ी दिख रही हूँ। तो इसके साथ पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगी, ये वाला जो ऑरिमेल का प्राइमर है ये यूज़ करूँगी। तो इसको मैं, ये एक्चुअली प्राइमर पता नहीं मुझे प्राइमर नहीं लगता, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजर का भी काम करता है फेस पे, देखते हैं। ये ब्रशेस मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, वर्क करता है कि नहीं। सिर्फ इसमें से एक ब्रश जो पाउडर उससे मैं थोड़ा सा ब्लश किया था, बाकी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं मेबेलिन का जो फिटनेस का जो फाउंडेशन है इन द शेड वार्म न्यूड, ये मैं अपने फेस पे यूज़ करूँ। तो मैं थोड़ा सा पहले ब्यूटी ब्लेंडर को भी टेस्ट करूँगी और पहले ब्लेंडर से थोड़ा सा बफ कर लूँगी, नहीं तो शायद ब्लेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं थोड़ा ही लूँगी, ज़्यादा हो जाता है फाउंडेशन, ये बहुत ही कम लगता है। तो मैं ये वाला ब्रश पहले मैं इससे अच्छे से थोड़ा सा इसको से स्प्रेड करूंगी फेस पे। आज का ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, सिर्फ मैं अपने ये जो ब्रश है इसको टेस्ट करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना। तो इससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से बफ कर दूंगी, देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ये फाउंडेशन इस ब्रश से। अब डाउनर
मोशन में ब्लेंड कीजिए, क्योंकि ये तो माउट वैसे भी मैट माउट बोल रही हूँ, मैट फाउंडेशन है, तो इससे अब थोड़ा वर्क करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप जब भी करेंगे तो ऐसे डाउनवर्ड मोशन में कीजिए, अच्छा आएगा। इसी ब्रश मतलब देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ब्लेंड किया है, जितना प्राइस हम पे कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा ही है। उसका प्राइस मैं बोलना भूल गई, ये टोटल फाउंडेशन जो ब्रश मैंने अमेजोन से लिया है, मैं आपका इनका जो लिंक है मैं आपको दे दूँगी, ये टोटल 245 में मिला है। और इसके साथ मुझे ये एक और एक ब्रश क्लीनर भी मिला है, तो वो मैं नहीं लाई हूँ, वो मैं आपको लिंक दे दूँगी तो आप देख सकते हैं। फिर मैं ये ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छा ब्रश है, मैं पहले भी एक नेकेट एक ब्रश सेट था, वो भी अफोर्डेबल में था, उसका जो फाउंडेशन ब्रश था फ्लैट ब्रश मिलता था, उससे ब्लेंड नहीं होता था अच्छे से, लेकिन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इसका फिनिश, देखिए अच्छा है फाउंडेशन जो ब्रश है वो। अभी मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, तो कंसीलर के लिए मैं जो ब्रश यूज़ करूँगी ऐसा वाला कुछ ब्रश, मैं फाउंडेशन यूज़ करके देखूँगी ब्लेंड होता है कि नहीं। तो ये मेबेलिन फिट मी का जो कंसीलर है इन द शेड लाइट, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा ऑफ ऑफ लग रही होंगी शायद आपको, क्योंकि मैं नई जगह पे आई हूँ, इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, तो इससे मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके देखती हूँ ब्लेंड होता है कि नहीं। तो आपको जब भी कंसीलर को मतलब ब्लेंड करना है तो ऐसे जस्ट डैब डैब करके ब्लेंड कीजिए, उसी में जो है वो मैं अपने लिड पे भी यूज़ करूँगी, जब मैं आईशैडो लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा काम होगा। तो आप ऐसे ड्रैग मत कीजिए तो मूव हो जाएगा जगह से कंसीलर, तो ऐसे आपको करना है जस्ट। अच्छा है ये ब्रश, ये भी अच्छा है, मतलब सारे ब्रशेस मैंने जब देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि अच्छा है, क्योंकि इतना सॉफ्ट है इसका जो ब्रिसल्स है, इतना सॉफ्ट है, ये शायद सिंथेटिक है, ये ब्रश का जो ब्रिसल्स है ये सिंथेटिक ब्रश सेट है। और जितना प्राइस मैंने पे किया है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड होता है। और इस ब्रश में जो बचा है उससे मैं थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं रिसेंटली मेरा जो माउथ के अराउंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो गया है, देखिए कितने अच्छे से इसको मतलब ब्लेंड कर दिया है कंसीलर को, और कवरेज भी अच्छा दिया है, जैसे ब्लेंडर से जो मूव हो जाता है, जो मतलब कम हो जाता है कवरेज, इससे नहीं हुआ है। अभी मैं कंसीलर को सेट करूँगी, उसके लिए मैं इसका ये जो ऐसा पाउडर ब्रश आता है वो यूज़ करूँगी। इनका जो ये साइड है पिंक कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मेबेलिन फिट मी का जो पाउडर है उससे मैं इसको, देखिए कितनी अच्छी तरह से पिक करता है प्रोडक्ट, थोड़ा सा सेट करूँगी नहीं तो वो मूव हो जाएगा। मेरा स्किन पता नहीं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ऐसे बम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, और जो बचा है थोड़ा थोड़ा लेके मैं पूरे फेस को थोड़ा सा सेट कर दूँगी, इतना ज़रूरत नहीं है सेट करने का क्योंकि मैट फाउंडेशन है, फिर भी मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी। मेरा स्माइल लाइन्स इतना नहीं, लेकिन अंडर आइज पे जो रिंकल्स आ गए हैं अभी। अभी गाइस मैं पाउडर किया है उसी ब्रश से मैं ब्लश यूज़ करूँगी। तो ब्रश के लिए मैं ये नई पैलेट लाई हूँ, निका के का पैलेट है, इसका भी अगर आप चाहिए तो मैं रिव्यू करूँगी अलग से, आज मैं यही सब मतलब यही पैलेट यूज़ करूँगी। तो इसमें से ये जो ये वाला जो पिंक शेड है ये मैं ब्रश यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा ब्रश है, देखिए कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ब्लश थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं ब्लेंडर से ठीक कर दूँगी बाद में। और आज मैंने फिर से रिंग लाइट यूज़ नहीं किया है क्योंकि इतना कुछ यहाँ पे मैं नहीं कर सकती, मैं लाई भी नहीं हूँ। तो ब्लश मैंने यूज़ कर दिया है, अभी मैं कॉन्ट्रोलिंग करूँगी फेस को। तो कॉन्ट्रोलिंग करने के लिए मैं ये वाला जो थोड़ा सा एंगुलर ब्रश है ये वाला यूज़ करूँगी, मैं कॉन्ट्रोलिंग नहीं ब्रॉन्ज करूँगी, तो ब्रॉन्जर के लिए मैं ये लोरियल का जो ब्रॉन्जर है वो यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से ये वाला
शेड लेके अपने फेस को ब्रॉन्ज स्लैश कॉन्टोर कर रही हूँ। ये ब्रॉन्जर पता नहीं मेरे स्किन पे वैसे तो दिखता है पर कैमरे पे नहीं दिखता है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों। और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्टोरिंग का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मेरा फेस इतना राउंड है लेकिन थोड़ा चिजल्ड है इस साइड से, इतना इस साइड से इतना राउंड नहीं है, फिर भी मुझे पसंद है इसीलिए मैं करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये फेस को ब्रॉन्ज कर रहा है। बहुत गर्मी है, मैं ऊपर वीडियो शूट कर रही हूँ, इतनी गर्मी है बाप रे बाप। बहुत अच्छे ब्रशेस थे गाइस, इतने अफोर्डेबल प्राइस में मस्ट ट्राई, आप ट्राई कीजिए, मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको। अभी मैं ये मेबलिन का जो मास्टर क्रूम हाइलाइटर है इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड ये यूज़ कर रही हूँ। आज शायद आपको मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं लगे, मैं थोड़ा ऑफ ऑफ लग रही हूँ, तो उसके लिए मैं फिर से ये वाला ब्रश ले रही हूँ जिससे मैंने ब्लश किया है। और आज इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो देखिए कितना अच्छा पिक हुआ है। और मैं थोड़ा सा अपने फेस को आज मैंने थोड़ा पिंक पिंक यूज़ किया क्योंकि मेरा आई मेकअप भी मैं वैसे ही करूँगी। मैं निकाके का जो पैलेट है वो जो एप्पल पॉइजन है इसका देख के मैं बताऊंगी, वो मैं यूज़ करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा फेस को सेट करूँगी, उसका जो ब्लेंडर आता है ये भी बहुत अच्छा है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा मतलब प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए आपको। तो मेबलिन का जो लास्टिंग फिक्स जो ये वाला जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। तो जितना भी मैंने पाउडर यूज़ किया है वो सेट हो जाएगा इसी ग्लिटर ब्लेंडर से। मैम डैब डैब करके यूज़ कर रही हूँ मैं, विदाउट मिरर मैं मेकअप करती हूँ कैमरे पे देख के। थोड़ा सा भी मैं आईब्रोज करूँगी तो यहाँ पे आईब्रोज के लिए कोई ब्रश नहीं है तो मैं आईब्रोज ऑफ कैमरा करके आती हूँ। तो गाइस मैंने ऑफ कैमरा अपना आईब्रो कर लिया है, अभी मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो आई मेकअप के लिए मैं आज पहले सोचा था मैं पिंक जो है वो वाला यूज़ करूँ, मतलब पिंक वाला जो पर्पल वाला जो पहले थे, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला यूज़ करूँ निका के का दूसरा वाला पैलेट, ये है पॉइजन एप्पल, तो मैं ये ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट मैं ऐसा ही ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और यहाँ से मैं पहले ये वाला शेड पिक करके मेरे आईज़ को देखिए कितना पिगमेंटेड है, पैलेट भी बहुत अच्छे है गाइस, देखिए देख सकते हैं, मस्ट ट्राई, आप ट्राई कीजिए ये सब, मतलब पैलेट्स जो है इनका बहुत सारे है, मेरे पास 3 है और 2-3 है मैं खरीदूँगी, तो ये अफोर्डेबल नहीं, 300 इनका इसका प्राइस है और इतने कम प्राइस में इतना अच्छा होता है। तो ये हो गया है, अभी मैं घी वाला शेड लूँगी और लेके मैं अपनी जो क्रीज है वहाँ पे यूज़ करूँगी। कितने अच्छे से ब्लेंड होता है ये ब्रशेस से, कौन बोलता है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये पैलेट्स भी बहुत अच्छा लगा और ये जो मैं ब्रश का रिव्यू कर रही हूँ ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं, इतने सॉफ्ट इसके ब्रिसल्स हैं, इतने अच्छे से ब्लेंड होता है। मैंने मतलब मेरा जो फाउंडेशन या कंसीलर में किसी भी ब्रश से मैं ब्लेंड नहीं कर पाती लेकिन इससे कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया, देखिए कोई क्रीज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। फिर से मैं वो आइस कर लेती हूँ,
अभी मैं ऐसा जो एक पेंसिल बोल रहा हूँ, पेंसिल टाइप का जो ब्रश है, थोड़ा सा पता नहीं इस साइड से हो गया है, उससे मैं ये वाला शेड पिक करूँगी और मेरे जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे मैं उसको प्लेस करूँगी। आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज तक मैं लेके जाऊँगी। मतलब ये जो पैलेट से हुडा ब्यूटी का डुप्स है, हुडा ब्यूटी का जो ऑब्सेशन पैलेट आता है उसका डुप्स है पूरा। देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है और थोड़ा सा पाउडरी है, पर वो मुझे इतना बॉदर नहीं करता है। पिगमेंटेड जो पैलेट्स होते हैं वो थोड़ा सा पाउडरी होती है। अभी मैं सोच रही हूँ ये वाला यूज़ करूँ, वो वाला पहले यूज़ करूँ। अभी मैं ये वाले से एक शिमर शेड लेके अपने लिड पे प्लेस करूँगी। तो उसके लिए मैं ऐसा वाला एक ब्रश लूँगी। मुझे फ्लैट शेड जो ब्रश है वो लेना चाहिए था, फिर भी मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कौन सा वाला लूँ कलर। मैं ये वाला कलर लेती हूँ और लेके मैं अपने लिड पे ये, क्योंकि ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है गाइस, तो मैं देखिए वाह, कोई फिक्स स्प्रे कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना पिगमेंटेड है ये पैलेट। इतना प्रिटी है ये पैलेट। फिर मैं ये शेड लेके और बाकी जो थोड़ा सा जो लिड बाकी है उसमें मैं ये वाला जो पर्पल शेड है ये प्लेस करूँगी। इसमें से ये वाला शेड थोड़ा सा कम पिगमेंटेड है, इतना दिखाई नहीं देता है। ये मैं फिंगर से यूज़ करती हूँ। ये इस ब्रश का कोई मतलब ये नहीं है, मुद्दा नहीं है, इसमें दिखाई नहीं देता है। मैंने देखा है ये वाला शेड इतना दिखाई नहीं देता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ और वाला, ये वाला पर्पल मैं देखती हूँ लेके। देखिए अभी कितने अच्छे से पिक हो रहा है। देखिए वो वाला शेड एक्चुअली पिगमेंटेड नहीं था। हो गया है, अभी मैं ब्लेंड करूँगी। फिर से वही पैलेट ले रही हूँ, पहले वाला जो पॉइजन एप्पल और ये वाला था शुगर प्लम, और जो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया था उसमें से ये वाला शेड लिया था। हाँ, ये वाला लेके मैं फिर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी। गया है, अभी नीचे भी तो कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये वाला छोटा जो पैकेट है ये मैंने खुला भी नहीं है, इसे आता है, इसे पैकेट में ही आता है। तो फिर से ये और ये दोनों शेड मिक्स करके मैं अपने नीचे आइस पे लोअर लैश लाइन पे प्लेस करूँगी, तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। छोटा मोटा आपको ये निका के का पैलेट का भी रिव्यू मिल गया है, कैसा है इसका पिगमेंटेशन वगैरह। तो अभी मैं आज मैं कुछ भी मतलब काजल वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मस्कारा यूज़ कर। तो मस्कारा के लिए मेरा आई मेकअप तो हो गया है, देख सकते हैं।
तो मस्कारा के लिए मैं ये मेबलिन का जो हाइपर कलर मस्कारा है ये यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ड्राई हो गया है इसलिए थोड़ा सा क्लम्पी लग रहा है, पीछे से इतना डिस्टर्ब होता है ना, मैं क्या करूँ, मेरा लग गया है इसी तरह से। तो मेरा आई मेकअप तो कंप्लीट है और आपने देखा है कि ब्रशेस कैसे है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं एक लिपस्टिक यूज़ करूँगी। तो लिपस्टिक के लिए मैं ये जो NYB का लिपस्टिक है, ये वाला शेड है, न्यूड शेड है, ये मैं अपने लिप्स पे यूज़ करूँगी। एकदम न्यू शेड है ये लिपस्टिक, इतना पिगमेंटेड नहीं है फिर भी काम चलाऊ टाइप है, काम चल सकता है। तो मैं अपने हेयर करके फिर आती हूँ।